एक्चुअली ना मेरे कॉल आ रहा है, मैं रिसीव करके आता हूँ। ये सब क्या हरकतें हैं? तुम मेरी दोस्त की बीवी और मेरी भाभी, और मेरे साथ ये सब कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी हो तो क्या हुआ, मुझे प्यार करने का हक नहीं है? मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने तुम्हें ये लिखा, अब तुम मुझे अपना आंसर बताओ। अरे क्या बातें चल रही है भाई, ये देख तेरी बीवी की हरकतें। सर ये तो तुम्हारी हैंडराइटिंग है, क्या हरकत किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? नहीं सागर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम, तुम्हें क्या लगा था हाँ? तुम मेरे साथ ये सब हरकतें करोगी और मैं चुप रहूंगा, इसको कुछ नहीं बताऊंगा? 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, मैं किसी के साथ भी धोखा कर सकता हूँ लेकिन अपने दोस्त के साथ कभी नहीं, और तुम जैसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सौरभ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इतनी गंदी हरकत की मेरे दोस्त के साथ, और आज तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी नाक कटवा दी, और अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, अभी से तुम्हारा मन भर गया हमारे रिश्ते से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे खुद शर्म आती है अपने ऊपर कि मेरी शादी एक गलत लड़की के साथ हुई है। मुझे सच में बुरा लग रहा है कि तेरी ऐसी लड़की से शादी हुई। तू सही कह रहा है लव, मेरी शादी एक गलत लड़की के साथ हुई है, तो भला हो तेरा कि तू था, वरना अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो शायद इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे सकता था। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, तेरे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये लड़की भी नहीं, और मुझे तो तेरे लिए बुरा लग रहा है कि तेरी इतनी गलत लड़की से शादी हुई है। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने तुम्हें बोला था ना कि लव मेरे और धोखेबाज दोस्तों की तरह नहीं है, एक बार को मुझे दुनिया धोखा दे सकती है लेकिन लव मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। मतलब अरे हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? Actually, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप का एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट करेंगे, और ये सब ना एक प्रैंक था। वो कुछ दिन पहले सागर के बहुत क्लोज फ्रेंड ने इनको धोखा दे दिया, तब से इतने परेशान हो गए। मैंने इनको क्लियरली बोल दिया कि अपने यारे दोस्ती कम कर दो कम कर दो, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर इन्होंने मुझे तुम्हारा एग्जाम्पल दिया, और सडनली बाई चांस तुम्हारा उसमें कॉल ही आ गया, तुम घर पर आने के लिए बोल रहे थे। फिर क्या, मैंने इन्हें मना कर दिया कि किसी भी दोस्त को घर पर लाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तो हमने सोचा हम तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप का एक लॉयल्टी टेस्ट करेंगे, और तुमने मुझे गलत प्रूफ किया और खुद को सही। अरे यार तुम दोनों सच में पागल हो, मैं सीरियस हो गया था। सॉरी यार, हम तेरे ऊपर एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, अब तेरी भाभी को भी तो शॉर्टी देनी जरूरी थी ना, तो बस उसी लिए किया, सॉरी, बुरा मत मानियो। चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ।